अभी एक मूवी आई थी सावरकर, मैं गया उस मूवी को देखने, कई सारे लोगों को वो मूवी पसंद नहीं आई, ठीक है। कोई बोले कि सर हिस्ट्री का रिविजन नहीं करना, सावरकर मूवी देख लो, रिविजन है वो हिस्ट्री का। मॉडर्न इंडिया के सारे इवेंट्स दिखाए हैं उन्होंने, सारे इवेंट्स। एक आम इंसान को तो, मतलब जो एक साधारण कॉमन मैन है, उसको हो सकता है वो मूवी समझ में भी ना आए, लेकिन आप देखना जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब, अभी मत देखना, जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब एक बार उस मूवी को देखना। छोड़ो ना क्या आइडियोलॉजी दिखाई है, मतलब राइट की आइडियोलॉजी है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, या सावरकर को हीरो बनाया कि सावरकर को विलन बनाया, हमें क्या लेना देना उससे, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप देखो, आप जब मूवी को देखोगे तब आपकी आंखें चौड़ी होंगी और आपको मजा आएगा। जब सावरकर जा रहे हैं इंडिया हाउस में, वो जा रहे हैं क्या कहते हैं लंदन में इंडिया हाउस में, और इंडिया हाउस में जब वो जाते हैं और तब उनको मिलाया जाता है कि ये लाला हरदयाल है, ये मैडम बीकाजी कामा है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है, और वो वहां देख रहे जो खड़ा है वो मदन लाल ढींगरा है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता। और ऐसे ही एक आम इंसान को जब ये सब दिखाया जाएगा ना, उसे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आओ तो थोड़ा अभी नेशनल मूवमेंट में पहुंचो और पढ़ो तो मदनलाल ढींगरा कौन थे, पढ़ो तो श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे। अभी हो सकता है दूसरे या तीसरे लेक्चर में हम लोग पहुंच जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, इन तक हम पहुंच जाएंगे। लाला हरदयाल जब गदर मूवमेंट पढ़ोगे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा और आप जानते होंगे, लेकिन आपने इनको देखा नहीं है। और फिर जब आप उस मूवी में उन करेक्टर्स को देखेंगे तो आपको अंदर से मजा आएगा, अच्छा ये लाला हरदयाल है, अच्छा वो मदनलाल ढींगरा है। देखो जब ऐसे दरवाजे के पास मदनलाल ढींगरा खड़े रहेंगे, वो मदनलाल ढींगरा है। एक सामान्य व्यक्ति जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा कि मदनलाल ढींगरा को इतना स्पेशल क्यों दिखा रहे हैं, अलग से क्यों दिखा रहे हैं। यू विल नो कि अभी ये किसी को मारने वाले हैं, यू विल नो कि अभी किसी को मारेंगे और फांसी लटकेंगे, इसलिए इनको अलग से दिखाया जा रहा है। तो यू विल एंजॉय बिकॉज यू विल बी अ हिस्ट्री स्टूडेंट। तो जब खत्म हो जाए ना तब देखना, 2.5 घंटे इन्वेस्ट करना, 3 घंटे उस मूवी पे, एंड यू विल एंजॉय दैट मूवी, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के बाद, उसके पहले नहीं, ठीक है। चलो, क्योंकि तब आपको कैरेक्टर्स पता होंगे। वो जाके वहां पे एक लाइब्रेरी सीन मिलेगा, उस लाइब्रेरी सीन में वो मतलब दिखाएंगे कि सावरकर जी की मुलाकात जानते हो किससे हो रही है, लेनिन से। He is having a meeting with Lenin, व्लादिमीर लेनिन, जिसने 1770 का बोल्शेविक रिवॉल्यूशन करवाया, और वो उनको डॉक्यूमेंट देंगे बॉम्ब्स बनाने के। किसी को क्यों समझ में आएगा लेनिन कौन है और ये सीक्रेट मीटिंग क्यों हो रही है। लेकिन जब आप देखोगे अच्छा सावरकर लेनिन से भी मिले थे लाइब्रेरी में चुपके से, यू विल एंजॉय, क्योंकि आपको पता है ना कि लेनिन कौन है और वो कितना खतरनाक आदमी है। वो रशिया में जाके जार की सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। सिंस यू आर हिस्ट्री स्टूडेंट, यू विल एंजॉय मोर। बाकी किसी को समझ नहीं आएगी वो मूवी और वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, बट यू विल एंजॉय।